नमस्कार सभी को। आप सभी बच्चों का आज की जो क्लासेस की जो स्टार्टिंग हो रही है उसमें स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। बच्चों, 10th क्लास में आपके जो बायोलॉजी है वो 30 मार्क्स की आती है। आपको पता है साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल सेशनल आपके मार्क्स जाते हैं। 80 में से भी 30 मार्क्स के जो स्कोरिंग है वो बायोलॉजी की है। उसमें से जो हम फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बींग विच आर असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल और मेंटेनेंस। जिंदगी सर्वाइव करे, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे या अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखे, इसके लिए उसके शरीर में कुछ ना कुछ एक्शंस और कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। उन एक्शंस यानी क्रियाओं और फंक्शंस यानी कामों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ द एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी उसको फूड के द्वारा प्राप्त होती है। इसके मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये सभी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसमें आप पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस की स्टडी करते हो उसके लिए एक नई टर्म काम में आती है और वो टर्म है फिजियोलॉजी। अब हम पहली लाइफ प्रोसेस के जो हमारे बेसिक एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किया हुआ न्यूट्रिशन टॉपिक उसको लेकर चलते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे तो फूड को प्राप्त करेगा और कैसे उसका उपयोग करेगा, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ी जाती हैं ताकि वो क्या कर सके, वेरियस जो उसकी अपनी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरी कर सके। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब फूड कोई एक चीज़ तो है नहीं, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हम कई कंपोनेंट्स को खाते हैं एज अ फूड, तो उन कंपोनेंट्स के लिए हम टर्म काम में लेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो फूड के अंतर्गत खाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप में मैंने डिवाइड करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। पहले जो न्यूट्रिएंट है वो है एनर्जी फूड्स, दूसरा न्यूट्रिएंट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो एनर्जी फूड्स कौन से होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है फैट। बॉडी बिल्डिंग जैसे आपके शरीर की टिश्यूज़ सेल्स इनका फॉर्मेशन होता है तो उनमें कौन आते हैं, प्रोटीन्स। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स जो आपके शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं तो उनमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एनर्जी फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब आता है फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम फूड लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, हमारी ग्रोथ के अंदर ये हेल्पफुल होंगे। जो भी सेल या टिश्यू जिनको रिपेयर करना ज़रूरी है या जो टाइम टू टाइम डैमेज होते रहते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। एंड हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स। वेरियस टाइप के हार्मोन्स आपने अपने बॉडी में पढ़े हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो उन सब के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक को देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेक अप देयर ओन फूड। बस आपको ये बात याद रखनी है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाए, किससे बनाए, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, रॉ का मतलब कच्चे माल से। किसकी सहायता से, एनर्जी की सहायता से, और कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। सेकेंड, इसके वाइस वर्सा अपन देखते हैं हेटरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। वो ऑर्गेनिज्म फूड बनाएगा नहीं,
बाहर से फूड को लेगा और वो भी कैसे फॉर्म में लेगा, रेडीमेड फॉर्म में, बने बनाए फॉर्म में, उनको हम कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स। और ये कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये फूड को कंज्यूम करते हैं, जबकि इसके साइमल्टेनियसली इसके अपोजिट जो ऑटोट्रॉफिक्स हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉफ तो प्रोड्यूस करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं। इनमें एग्जाम्पल है एनिमल का और किसका, फंगी का। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो भी हमारे टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।